इस वीडियो में हम गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GLMB कहते हैं। गॉस का ये दूसरा लॉ है और ये मैक्सवेल इक्वेशन सेट का में एक इक्वेशन है। इसके पहले आपने गॉस के दो और नियम पढ़े थे, पहला गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और दूसरा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या था? डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां रो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था। गॉस लॉ क्या कहता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए? द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वन ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ EM थ्योरी एंड इट इज एंड कलेक्टिवली इट इज नोन एज मैक्सवेल इक्वेशंस। आपने मैक्सवेल की तीन इक्वेशंस पढ़ी, इसमें पहली इक्वेशन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दूसरी फैराडे मैक्सवेल इक्वेशन, तीसरी एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन, चौथी आपकी गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स हैं। इसको समझने के लिए हम इस फिगर को देखते हैं। आपको पता है कि मैग्नेटिक लाइंस क्लोज होती हैं। क्लोज कैसे होती है? अगर कोई एक लंबा वायर, इसमें आई करंट फ्लो कर रही है और उसमें करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपकी राइट हैंड थंब रूल से निकलेगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस आपकी अंगुलियों की डायरेक्शन होगी, जबकि आपका राइट थंब करंट फ्लो को शो करता है। यहां पे आप देख रहे हैं करंट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो आपकी अंगुलियों की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। और यहां पे आपको नजर आ रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमेशा क्लोज पाथ में होती है, इस कारण से अंदर डॉटेड फॉर्म में इसको शोकेस किया जाता है। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ मूव होती है। अब यहाँ पे कोई स्फेरिकल बॉडी रखी है, तो उस बॉडी से आपका फ्लक्स मूव कर रहा है, जितना फ्लक्स आपका इनसाइड में इंटर करता है उतना ही फ्लक्स आपका मूव करता है। नॉर्थ पोल से निकली गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसी मैग्नेट के साउथ पोल में भी खत्म होगी, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऐसा कोई जरूरी नहीं था। अगर आपका उसका दूसरी पोलरिटी का चार्ज मौजूद नहीं है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ग्राउंड पे खत्म हो जाती थी। इस कारण से आप देख सकते हैं कि ये हमेशा एक क्लोज पाथ में होती है। अब आपका यहाँ पे कोई स्फेरिकल बॉडी रखी है या कोई भी बॉडी रखी है, जितना फ्लक्स आपका इंटर किया उतना ही फ्लक्स आपका बाहर निकला, तो आपका नेट फ्लक्स क्या हुआ? आपका जीरो हुआ। यही आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड कहलाता है। द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्टेट्स दैट द फ्लक्स फाइ बी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। मैथमेटिकली इज नोन एज बी डॉट डी एस क्लोज सरफेस फाइ बी इक्वल टू जीरो। अब हमने इस टर्म में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को लगाया, तब क्या हुआ? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट डी वी इक्वल टू जीरो। हमने इंटीग्रल का साइन हटाया, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। इसका एक और फॉर्म है डाइवर्जेंस ऑफ एच इक्वल टू जीरो। आपको पता है बी इक्वल टू म्यू एच होता है, मी बी और एच की डायरेक्शन सेम होती है। तो ये था आपका गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स, जो कि मैक्सवेल इक्वेशन सेट की एक इक्वेशन है। थैंक यू।